सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको 8 से 9 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। 4 GB रैम यहाँ पे आपको मिल जाती है, 6000 mAh की बैटरी, 48 MP का कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप किसी भी पर्पज़ के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, या फिर वो गेमिंग के लिए, या फिर कैमरे के लिए, या फिर एक लंबी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो भाई यहाँ पे आपको जो सेल चली हुई है, तो ये स्मार्टफोन ओनली आपको सेल के अंदर 8 से 8.5 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बट सेल ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको ये स्मार्टफोन 9 से 9.5 हज़ार रुपये के अंदर मिलेंगे। तो बाद में कमेंट मत करना कि प्राइस इंक्रीज़ हो गई है सेल के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेल के बाद भी आप इन स्मार्टफोन को 9000 रुपये के अंदर बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सब बात करते हैं उन यूजर्स के बारे में जिनको चाहिए एक रियलमी ब्रांड का स्मार्टफोन। तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, जो है कि रियलमी C21Y, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है। इसके साथ ही आपको मिलता है 60Hz का स्मूथ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे आपको एकदम एवरेज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप, जिसमें मेन कैमरा 13 MP का है और 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। तो भाई इमेज क्वालिटी के मामले में एवरेज कैमरा है, ठीक ठाक परफॉर्म करता है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे आपको मिलता है यूनिस्कोर का प्रोसेसर, जो कि T610 40 FPS तक आप गेमिंग कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से। तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रियर फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है। तो भाई इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस यहाँ पे आपको 8.5 हज़ार रुपये है। बट अगर आप इस सेल के दौरान बाय करते हैं तो ये स्मार्टफोन ओनली आपको 7.5 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं उन यूजर्स के बारे में जिनको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, इसके साथ ही 4GB रैम वाला स्मार्टफोन मिल जाए। तो आपका जो अगला स्मार्टफोन है वो है माइक्रोमैक्स N2V, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो भाई इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.52 इंचेस की HD+ डिस्प्ले, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है। यहाँ पे आपको मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। तो डिस्प्ले की क्वालिटी एवरेज काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है बैक में डुअल कैमरे का सेटअप, जिसमें मेन कैमरा 13 MP का है और इसके फ्रंट में ही 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो भाई इमेज क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, एक एवरेज कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। इतना अच्छा कैमरा नहीं बोलूँगा, बट प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है यूनिस्कोर का T610। तो भाई काफ़ी ज़्यादा आप इस स्मार्टफोन की गेमिंग टेस्ट भी देख सकते हैं कि कैसा गेम में परफॉर्म करता है। तो भाई काफ़ी अच्छा गेमिंग यहाँ पे आप करा सकता है ये स्मार्टफोन। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। यहाँ मैं इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, पहले इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है रियर फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक का सपोर्ट, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो भाई अभी इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो इसी स्मार्टफोन पर आपको कोई भी ऑफर देखने को नहीं मिल जाता है, इसी स्मार्टफोन को आप कभी भी बाय कर सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन ओनली आपको 8.5 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। तो भाई अब बात करते हैं उन यूजर्स के बारे में जिनको भाई गेमिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये स्मार्टफोन उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हैं, बट ठीक ठाक गेमिंग आप इस स्मार्टफोन से कर सकते हैं। तो इसके जो आपका अगला स्मार्टफोन है वो है POCO C31, जो कि कुछ ही दिनों में लॉन्च हुआ, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो 6.53 इंचेस की HD+ डिस्प्ले, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है 5000 mAh की बैटरी, जो कि नॉर्मल 10W की फास्ट चार्जिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाती है और माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन भी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलो G35 प्रोसेसर, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग आप इस स्मार्टफोन से कर सकते हैं। डे टू डे टास्क इसमें आप इजीली रन कर सकते हैं। इस प्रोसेसर को ओपोको ने काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इसके अलावा इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जहाँ पे आपको मिल जाता है, क्योंकि मेन कैमरा 13 MP का है और 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। तो यहाँ पे आपको एवरेज कैमरा देखने को मिल जाता है, ठीक ठाक परफॉर्म कर जाता है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन Android V10 पर रन करता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक का सपोर्ट। जो पहला POCO C3 था वहाँ पे आपको रियर फिंगरप्रिंट नहीं मिलता था, बट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं।
तो इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो 3GB रैम 32GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिलती है 8,500 रुपये। बट इस सेल के दौरान आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं 7,500 रुपये के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। सो गाइस अब बात करते हैं उन यूजर्स के बारे में जिनको भाई हैवी गेमिंग करनी है प्राइस के अकॉर्डिंग, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्टडी वगैरह के लिए अच्छा स्मार्टफोन हो, तो यहाँ पे जो पिछले सभी स्मार्टफोन से पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है, जो है कि इन्फिनिक्स हॉट 11, जो कि भाई काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। तो इसमें मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक वाटर प्रूफ नॉच के साथ है, तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले, कलर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इसके साथ ही आपको मिल जाता है। यहाँ पे नॉर्मल 60Hz का स्मूथ डिस्प्ले, तो इसके अलावा 5020mAh की बैंड, तो भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का हेलो G70 प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, भाई काफ़ी डिसेंट लेवल की गेमिंग आप इस स्मार्टफोन से कर सकते हैं। ट्रिपल कार स्लॉट मिल जाता है। तो इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है बैक में डुअल कैमरे का सेटअप जिसमें मेन कैमरा 13MP का है और 8MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। तो भाई इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाती है, ज़्यादा बढ़िया कैमरा नहीं कहूँगा, प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, पहले इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है रियर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट जो कि इंस्टेंट वर्क करते हैं, 4GB रैम 64GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस आपको 9,500 रुपये देखने को मिल जाती है। बट आप इस सेल के दौरान बाय करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 8,500 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो भाई जितने भी स्मार्टफोन मैं बता रहा हूँ तो ये आपको 9,000 रुपये के अंदर मिलते हैं, बट आप इसमें कोई कार्ड वगैरह लगा देते हैं कभी भी सेल के बाद भी, तब भी आपको 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तब भी ये स्मार्टफोन आपको 8,500 रुपये या फिर 8,000 रुपये में मिल जाएंगे। भाई अब बात करते हैं उन यूजर्स के बारे में जिनको भाई हैवी गेमिंग बस ओनली जो कि 12,000 रुपये का प्रोसेसर है वो आपको मिल जाए ओनली 8,500 रुपये के अंदर, तो ये है आपका पोको M2 रिलोड। भाई काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, डिज़ाइन तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक एवरेज डिज़ाइन है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बट काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक वाटरप्रूफ नॉच के साथ है, इसके साथ ही आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन, तो डिस्प्ले की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसकी। 13MP का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है बैग में, यहाँ पे मेन कैमरा 13MP का है और 8MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है, तो इमेज क्वालिटी एवरेज है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी है जिसके साथ आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है MediaTek का हेलो G80 प्रोसेसर, भाई काफ़ी डिसेंट लेवल की गेमिंग आप इस स्मार्टफोन से कर सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको मिल जाता है ट्रिपल कार स्लॉट और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V10 पर रन करता है। तो सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, रियर फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, 4GB रैम 64GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस यहाँ पे आपको मिल जाती है 10,000 रुपये। भाई सेल के दौरान आप इस स्मार्टफोन को 9,000 रुपये के अंदर बाय कर सकते हैं, कभी भी कार्ड वगैरह लगाएंगे तो ये स्मार्टफोन ओनली आपको 9,000 रुपये के अंदर पड़ जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट डील है। अब आपका जो अगला स्मार्टफोन है वो उन यूजर्स के लिए भाई जिनको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए जिसके साथ ही आपको मिल जाए 48MP का कैमरा, अच्छी खासी गेमिंग कर सकें, तो आपका जो अगला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी F12। भाई काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, जब इस सेल से पहले इस स्मार्टफोन की प्राइस 11,000 रुपये थी बट अभी इस स्मार्टफोन को आप काफ़ी ज़्यादा कम पेमेंट में इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक वाटरप्रूफ नॉच के साथ है, इसके साथ ही आपको मिल जाता है 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बैक में 48MP का क्वाड कैमरा है और 8MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है, तो इमेज क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, पिछले सभी स्मार्टफोन से परफेक्ट स्मार्टफोन है कैमरे के अंदर। तो यहाँ पे जो है कि 6000mAh की बैटरी है, 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ी बैटरी मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है Exynos का 850 प्रोसेसर, भाई देखो डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं 8,000 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे ट्रिपल कार स्लॉट देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है। सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है 9,500 रुपये के अंदर। बट भाई अब फिलहाल सेल के अंदर आप इस स्मार्टफोन को बाय करते हैं तो ओनली 8,500 रुपये के अंदर आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। भाई ये एक परफेक्ट डील है, अगर आप सेल के अंदर इस स्मार्टफोन को बाय करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा पिछले सभी स्मार्टफोन के मुकाबले।
तो भाई ये थे आपके 2021 के बेस्ट स्मार्टफोन जो कि 8,500 रुपये के अंदर आते हैं। तो भाई बाद में कमेंट मत करना क्योंकि इनकी प्राइस बढ़ने वाली है सेल के बाद, तो कमेंट करें कि भाई प्राइस बढ़ चुकी है और आपने ऐसी वीडियो बनाई है। तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ पे जो है कि प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, तो आप चेक करते ही रहा करो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।